गाइस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ का अपडेट चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ का अपडेट चाहिए। ये अभी उस गड्ढे में जा रहा है और ये पिलर बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल, फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि जो आवाज है वो आप लोग के पास पहुंच रही होगी, क्योंकि पिछले वीडियो में थोड़ा माइक प्रॉब्लम हो गया था। इस वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो कैमरा मैं नया खरीदा हूँ ना, इसमें थोड़ा माइकिंग का प्रॉब्लम है। वैसे तो मैं अक्सर ऑडियो अलग रिकॉर्ड करता हूँ और वीडियो अलग रिकॉर्ड करता हूँ और एक साथ मर्ज करके मैं वीडियो एडिट करता हूँ, लेकिन इस कैमरे में दिया हुआ था कि एक्सटर्नल माइक जो पिछले वीडियो मेरा ऑफ था वो फिर ऑन कर दिए। अब पता नहीं आवाज़ कैसा आ रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वैसे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि आवाज़ अच्छा ही आए। अगर आवाज़ अच्छा नहीं है तो आपको वॉइस ओवर देखने को मिल जाएगा, मतलब अगर वीडियो में ऑडियो क्वालिटी सही नहीं रहेगी तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब सही होंगे। सुबह के बजे भाई लोग 10, ठीक है, और हम निकले एक अपडेट देने के लिए। शांतनु भाई हो गए और भी शादी भाई हो गए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया मीठापुर के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है, मीठापुर गुमटी के पास फ्लाईओवर जो बन रहा है उसका अपडेट दीजिए, मीठापुर गुमटी वाले फ्लाईओवर का अपडेट दीजिए। वैसे मैं एक दो बार दे चुका हूँ, लेकिन उस टाइम काम स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी काफी काम स्टार्ट भी हो गया है। तभी वहां चल के देखेंगे कि क्या काम स्टार्ट हुआ है, कितना काम स्टार्ट हुआ है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। आई होप कैमरा एंगल भी सही आ रहा होगा आप लोग को। तो हाँ, और पिछले वीडियो में जितना आप लोगों ने प्यार दिखाया वो सब्जी मंडी वाला वीडियो, मीठापुर सब्जी मंडी का वीडियो जो आप लोगों ने प्यार दिखाया, 2000 व्यू लाए उस पर, आई होप इस वीडियो में भी आप लोग उतना ही प्यार दिखाएंगे। तो आपका भाई अतुल ऐसे ही आप लोग का डिमांड पूरा करते रहेगा। आप लोग बस कमेंट करते रहिए कि आपको कहाँ का अपडेट चाहिए, मैं वहां का अपडेट अगर देने में सक्षम रहा तो वहां का अपडेट जरूर दूंगा। पटना में कोई भी जगह हो आपको लगे कि हाँ अतुल भाई को व्लॉग बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमको कहाँ का वीडियो बनाना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपडेट का ही वीडियो हो, आप खाने पीने के दुकान हो या फिर कुछ भी हो आप बता सकते हो। वैसे फूड ब्लॉगिंग भी क्यों ना हो, कोई बढ़िया सा प्लेस क्यों ना हो, स्ट्रीट फूड क्यों ना हो, आप वहां का लोकेशन आप कमेंट में बताइए, हम वहां जाके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वैसे पटना में थोड़ा ठंड कम होने लगा है, धूप अब सुबह 6 बजे हो जाती है, धूप तगड़ा वाला तो 9 बजे के बाद ही होता है, क्योंकि अभी 10 बजे आता है, तगड़ा वाला धूप अभी हुआ है। वैसे धूप भी काफी अच्छा रहता है। तो यही वो फ्लाईओवर है जिसका आज अपडेट देंगे आपको। काम काफी जोर शोर से चल रहा है। 2-3 दिन पहले एक मंत्री भी आए थे, वो मंत्री भी बोल रहे थे कि ये फ्लाईओवर को जल्द से जल्द बनवाना है, और इसी के कारण देखिए यहाँ पे जो है ना वो जाम लगा रहता है, बस इसी के कारण। फ्लाईओवर बन जाएगा ना तो जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी। ये अंकल मुझे देख रहे हैं कैमरा को, ये जाम के कारण ही ये सब होता है। तो जाम छूटते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं।
दम अंधेरे हो ये? अच्छा दम अंधेरे हो, दिख नहीं रहा था वहाँ पे। हम हेरा, हम आगे आपसे आगे थे। ऐसा बात करते हैं, देख के चलाना चाहिए ना। अच्छा चला रहे हैं। अभी एक क्या बोले, सब्जी वाला थोक दिया स्क्रैच। ओ खैर कोई नहीं, चलिए ये फ्लाईओवर पे चल के दिखाते हैं आपको कि क्या अपडेट है। तो गाइज आप लोग जैसा बोल रहे थे कि फ्लाईओवर के ऊपर से अपडेट दीजिए, तो ये फ्लाईओवर पे हम आए हैं आज। आज से पहले कभी नहीं आए हैं, आज पहली बार इस फ्लाईओवर पे आए हैं और यहाँ से आपको अपडेट देंगे कि क्या काम चल रहा है। क्योंकि आप लोग बहुत में मतलब आप लोग मुझे एक क्या बहुत लोग कह रहे थे कि अपडेट दीजिए भाई कि ऊपर से कैसा काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है। तो ये अभी है, ये चिनार स्वीट्स वगैरह, सॉरी चिनार नहीं, छीन सागर स्वीट्स वगैरह है ना, उसी के थ्रू ये पुल बना हुआ है। और ये पुल सीधा आपको चलाएगा पता कहाँ, कंकर बाग। आप सीधा पीछे से आइए, यारपुर पुल के साइड से आइएगा, आप सीधा चले जाइएगा एकदम कंकर बाग। नो इशू, अभी तो यहाँ पुल बंद है, मतलब बना ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं है, तो यहाँ पे एकदम सन्नाटा रहता है, खाली रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे यू टर्न है, गोलंबर है, लेकिन जैसे ये पुल बन जाएगा ना बहुत ही आसान हो जाएगा लोगों के लिए, एकदम आसान होने वाला है। क्योंकि एकदम रास्ता जो है वो साफ हो जाने वाला है, एकदम बहुत ही जबरदस्त वाला रास्ता हो जाएगा, एकदम आसान से। सामने रास्ता बंद है, वो सामने जो आप देख लो वो वाला पुल, वो करबीगंजिया वाला फ्लाईओवर है, ठीक। वो करबीगंजिया के सामने जब ऐसे चले जाएगा आप, तो आप सीधा चले जाएगा कंकड़बाग। तो यही है इसका डायग्राम, समझे। वो जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं वो फ्लाईओवर सीधा कंकड़बाग से आ रहा है, और ये फ्लाईओवर में जुटेगा, और ये फ्लाईओवर सीधा चला जाएगा आपका वहाँ से राइट टर्न लेते हुए, यारपुर होते हुए, गर्दनीबाग होते हुए सीधा एयरपोर्ट जाएगा आपका, कंकड़बाग से एयरपोर्ट मात्र 10 मिनट में आप जाने वाले हैं। तो यहाँ पे तो अभी काम ही चल रहा है, ये देखिए क्या काम चल रहा है, पिलर हो रहा है, यहाँ पे एक पिलर बनेगा, उस साइड भी एक पिलर बनेगा, फिर इस वाले जिस पर हम अभी खड़े हैं इसको उस वाले फ्लाईओवर से जोड़ने का काम चलेगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे। बहुत ही आसान हो जाएगा, ये जो आप गुमटी देख रहे हैं ये गुमटी जाम से खत्म हो जाएगी यहाँ पे। अभी हम आपको जाम दिखाते हैं, हमेशा जाम रहता है, बगल में पटना स्टेशन है, इस कारण यहाँ पे हमेशा रेलगाड़ी आते रहती है 20 मिनट 25 मिनट में, और इस कारण यहाँ हमेशा जाम रहता है। ये देखिए वहाँ पे पिलरिंग के लिए गड्ढा किया जा रहा है जिसमें सरिया डाल के पिलर बनाया जाएगा, इसके लिए पिलरिंग मशीन आया हुआ है लंबा सा, ये अभी यहाँ पे पिलर होने का काम ही चल रहा है अभी। बहुत ही मेजर प्रॉब्लम वाला रोड है, क्योंकि यहाँ पे एक गुमटी है, ठीक है, ये गुमटी आपको शायद नीचे दिख रहा होगा, ये गुमटी जब जाम लग जाता है, ट्रेन आती है गुमटी लग जाता है, तो यहाँ पे जो है ना वो जाम लग जाता है, और जब ये पुल बन जाएगा तो जाम लगेगा नहीं। ये अभी उस गड्ढे में जा रहा है, ये पिलर बनाने का काम चल रहा है यहाँ पे, साफ तौर पे देख सकते हैं वीडियो में, ये पिलर बनाने का भी काम चल रहा है जिसपे सरिया डाल के पिलर बनाया जाता है, ये पिलरिंग मशीन आपका पिलर बनाने का काम करती है। ये पिलरिंग मशीन आया हुआ है मिठापुर गुमटी वाले फ्लाईओवर को, उस वाले फ्लाईओवर को इस फ्लाईओवर से जोड़ेगी, ये सीधा रास्ता जाएगा आपका एयरपोर्ट, वो उधर से कंकड़बाग से आ रहा है, और ये पिलर बनाने के लिए अंदर घुसा हुआ है, और ये पिलर बनाने का काम चल रहा है रेगुलरली। सारे भाई लोग अपने काम कर रहे हैं, लेबर्स लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि काम बहुत स्पीड से चल रहा है, क्योंकि एक मंत्री आगे बोले थे कि जितना जल्दी हो सके काम शुरू कीजिए, और वो वाला फ्लाईओवर उधर चला जाता है मीठापुर उधर लेबर कोर्ट की तरफ, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया है। ये देखिए भाई लोग पिलरिंग बनाने का काम जबरदस्त। अभी 20 मिनट पहले, अभी 20 से 15 मिनट पहले हम यहाँ से क्रॉस किए थे, तब मेरे को जाम मिला था, गुमटी बंद था, एक बार फिर से गुमटी बंद हो गया देखिए, और इसका कारण यही है कि ये फ्लाईओवर नहीं बना है अभी तक,
लगभग 18 साल पहले इसको उद्घाटन किया गया था कि बनाएंगे इस फ्लाईओवर को इधर जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए। ये फ्लाईओवर अभी तक ज्वाइंट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये रेलवे वाले जो हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन अब रेलवे ने इजाज़त दे दी है कि आप यहाँ पे एक फ्लाईओवर ब्रिज बना सकते हैं, आर ओ भी बना सकते हैं, रेलवे ओवर ब्रिज बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक बार फिर से गुमटी लग गया है और एक बार फिर से जाम की स्थिति लगने वाली है। और जब ये पुल बन जाएगा पूरी तरीके से, ये वाला पुल इस पुल में जुट जाएगा, तो ये जो जाम आप अभी 5 मिनट में यहाँ पे लगेगा वो देखिए लगना शुरू हो चुका है, थोड़ा थोड़ा जाम लगना शुरू हो चुका है दोनों साइड। तो ये जाम से आपको निजात मिलेगी भाई लोग, जब ये पुल पूरे तरीके से इस पुल से जुट जाएगा तो ये जाम का समस्या ही खत्म हो जाएगा। इंजन आना हो या ट्रेन आना हो, गुमटी तो लगाना ही पड़ता है और इस कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। उधर भी जाम लग गया, इस साइड भी जाम लग गया। जब ये पुल बन जाएगा गुमटी से लोग आना जाना बंद कर देंगे तो लोगों को ज़्यादा परेशानी जो है वो नहीं होगी। अभी इंजन गया था तो गुमटी लगा दिया गया था, तो इंजन गया था तो आप समझ ही सकते हैं कि इंजन वापस भी आएगा, तब उसका इंतज़ार कीजिए, तब गुमटी खुलेगा तब जाइएगा। तो अभी इंजन आएगा तब गुमटी खुलेगा, इंजन इंटरचेंज होने का होगा इस पटरी से उस पटरी पे, इसलिए थोड़ा दूर आगे गया होगा और फिर उसके बाद वापस आएगा, इसलिए अभी तक गुमटी बंद है लगभग 3 मिनट से। और यहाँ पे ये फ्लाईओवर से उस फ्लाईओवर को जोड़ने का काम जो है वो लगभग 18 साल से अटका हुआ था, मतलब 18 साल पहले इसका उद्घाटन किया गया था कि एक रोड बनाया जाएगा जो कंकड़बाग से सीधा एयरपोर्ट जाएगा, लेकिन वो काम काफ़ी दिन से अटका हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो काम चल रहा है, बहुत ही आवाज़ आ रही होगी आपको। तो वो फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये फ्लाईओवर को इस फ्लाईओवर से जोड़ देंगे, इसके बाद सीधा कंकड़बाग से एयरपोर्ट 10 मिनट में आ जाइएगा, इसी का अपडेट देने जाए थे। जिस फ्लाईओवर पर अभी हम खड़े हैं ना, ये फ्लाईओवर सीधा उधर एयरपोर्ट जाता है, गर्दनी बाग एयरपोर्ट पुल होते हुए आप अटल पथ से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली एयरपोर्ट आपको सीधा चला जाएगा। और ये फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं ये कंकड़बाग से आता है और बीच में रेलवे लाइन पड़ता है, इस कारण यहाँ पे जो पुल है वो नहीं बना था, लगभग 18 साल से इसका काम रुका हुआ था। 18 साल पहले इसका उद्घाटन किया गया था कि एक पुल बनाया जाएगा, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण ये पुल नहीं बना और 2022 में फाइनली इसका फिर से बनाने का काम चल रहा है। और कुछ मंत्री भी आए थे 2 दिन पहले, उन लोगों ने सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस पुल को बनाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। कंकड़बाग से आइएगा आप सीधा, उधर जाइएगा तो आप सिपाड़ा चले जाइएगा, और जब इस फ्लाईओवर पर आप चढ़िएगा तो सीधा एयरपोर्ट चले जाइएगा, कंकड़बाग से एयरपोर्ट 10 मिनट में जाइएगा कंकड़बाग से एयरपोर्ट, तो रास्ता काफ़ी आसान होने वाला है। इस कारण यहाँ पे एक आर ओ भी बनाना बहुत ज़रूरी था, रेलवे ओवरब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी था। इसी का अपडेट आज हम आपको देने आए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, बाय बाय।